राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन ने जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन। राज्य के सैटेलाइट चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ की कमी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सालय में सरकार की ओर से 50 नर्सिंग स्टाफ स्वीकृत किया गया है, लेकिन 12 का स्टाफ कार्य करता है, जिसके चलते नर्सिंग स्टाफ की बढ़ोतरी के लिए राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन ने चिकित्सालय प्रबंधक को आज ज्ञापन सौंपा। ये आदेश नगर के अंदर जेलन की ब्रांच सैटेलाइट चिकित्सालय हॉस्पिटल है, जो एक मतलब बड़ा हॉस्पिटल है। जो जनाना जैसे ब्रांच है, वैसे सैटेलाइट हॉस्पिटल भी ब्रांच है। यहाँ पे डिलीवरी की सुविधा, इमरजेंसी सुविधा और जनरल वार्ड, सर्जरी, आई वार्ड, सारे वार्ड हैं यहाँ पे संभालने के लिए। लेकिन यहाँ नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज है, उस हिसाब से 50 स्टाफ यहाँ दे रखे हैं, जिनके अंदर से फर्स्ट ग्रेड भी है, सेकंड ग्रेड भी है, और यहाँ पे NM स्टाफ भी दे रखे हैं और डॉक्टर्स भी है कहीं सारे। तो यहाँ पर जो 3 ही वार्ड है, जनरल वार्ड और ये जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वो, और लेबर रूम जहाँ सबसे ज़्यादा मरीज रहते हैं, जहाँ डिलीवरी भी होती है, सिजेरियन वाले पेशेंट सारे वहाँ पर रहते हैं। लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ पर स्टाफ दे रखे हैं मुश्किल से 10 या 12 स्टाफ दे रखे हैं। 10-12 स्टाफ के अंदर से 2 डॉक्टर्स की यूनिट चलती है, जिसके अंदर मरीज एक नाइट में 10 डिलीवरी आ जाती है, कभी डिलीवरी 25 आ जाती है, कभी ज़्यादा आ जाती है। वहाँ केवल नाइट के अंदर काम करने के लिए केवल नर्सिंग स्टाफ 2 रहते हैं, और कभी उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर कोई दूसरा नर्सिंग स्टाफ का अरेंजमेंट नहीं होता है। जब अधिकारी से इस चीज़ में बात की गई वहाँ के लेबर रूम के स्टाफ ने और इमरजेंसी वाले स्टाफ ने कि भाई यहाँ स्टाफ की शॉर्टेज लगा रखी है, यहाँ इतने डिपार्टमेंट है 50 स्टाफ दे रखे हैं, तो फिर 12 भी क्यों सफर करे और अदर डिपार्टमेंट वाले क्यों सफर करे। तो अधिकारी ने यह कहा कि मैं आज से आज नहीं कल बात करूंगा, परसों बात करूंगा। मैंने कहा कोई नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन करके आप इस स्टाफ का मैनेजमेंट कर दीजिए, नाइट ड्यूटी लगाइए। यहां पर केवल एक लेबर रूम और इमरजेंसी और एक जनरल वार्ड है, वहां पर नाइट ड्यूटी लगाई जाती है, जबकि रूल्स के अकॉर्डिंग यह कहा जाता है अटैच मेडिकल कॉलेज स्टाफ के अंदर नाइट ड्यूटी और इवनिंग सारे स्टाफ की लगाई जाए, और उसके अंदर आउटर स्टाफ की 3-3 महीने के रोटेशन पर ड्यूटियां लगाई जाए। लेकिन यहां पर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन मेडिकल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग चलाने चाहिए वो नहीं चलाए जा रहे हैं। फिर भी हमने कहा, और रात में यहाँ पे कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, फीमेल नर्सिंग स्टाफ अलोन बैठा रहता है। हमने ये कहा सर यहाँ पे एक पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, एक गार्ड दिया जाता है, जो गार्ड का एक अकेला गार्ड क्या करेगा जब 50 स्टाफ के बीच में ये प्रॉब्लम होती है। तो हमने कहा पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, तो अधिकारी ने कहा इस चीज़ में मैं बात करूंगा। हमने पहले वर्बली बात करके अधिकारी से बात की, जो अधिकारी यहाँ पे राकेश पोरवाल सर है, उससे पहले यहाँ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है माथुर सर है, मुकेश माथुर सर है, उनसे बात की गई। गायनिक वाले डॉक्टर परेशान होते हैं, उनने आकर बात की कि हर बार गायनिक के अंदर प्रॉब्लम होती है, लेबर रूम में सारा स्टाफ सफर करता है, 12 स्टाफ से ये वार्ड नहीं चल रहा है, आप अदर स्टाफ को भी बोलिए यहाँ सपोर्ट करिए। तो फिर राकेश जी सर ने कहा कि ठीक है मैं देखूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। जब उनको बात करने की बात आई तो आज हेड़ा सर की पार्टी है, रिटायरमेंट है, उसके लिए वो आने के लिए तैयार है। जब 1 बजे उन्होंने कहा मैं स्टाफ से बात करूंगा, 1 बजे ना तो 1 बजे आया, पहले 11 बजे इन्फॉर्मेशन दी, सारे स्टाफ यहाँ बैठ के 11 बजे के लिए, आज नाइट में जो स्टाफ है वो मेडिकल पे है, उसने कहा कि मैं कैसे अकेली ड्यूटी करूंगी, और दूसरा स्टाफ लगाया गया वो हार्ट पेशेंट है। लेकिन पेशेंटों के हित को देखते हुए यहाँ एक्टिव सेकंड ग्रेड स्टाफ को लगाने के बजाय एक हार्ट पेशेंट फर्स्ट ग्रेड को लगाया गया है, वो भी अथॉरिटी के बिना उसके है, रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि पेशेंट की सफर नहीं करे, एक लेबर में जो आई हुई मदर को प्रोटेक्शन मिले, इसलिए यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। और दूसरी बात है, यहाँ स्टाफ का अरेंजमेंट 50 है, लेकिन बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहे अधिकारी तो। इन सब चीज़ों के लिए मैंने उनको लेटर हेड में, यहाँ पर लीडर हूँ राजस्थान नर्सेस यूनियन और यहाँ पर सैटेलाइट नर्सिंग की, तो मैं ये चाहती हूँ, मैंने यहाँ आकर जो वर्बली उनको इन्फॉर्मेशन दी उनको मैंने रिटर्न में दी, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। और आज जब मैंने बात करी तो गुप्त सूत्रों से मुझे पता पड़ा है कि यहाँ पर मेरा यहाँ पर रिजाइन हो, वो क्या बोलते हैं, रिली ऑर्डर तैयार कर दिया गया कि आप जेलन से आइए, जेलन ही चाहिए। तो मैंने अधिकारी से फ़ोन पर बात की कि सर अगर ऐसी बात है तो आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ अगेन आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, मैं तो आपको अपनी ड्यूटी का एक्स्ट्रा होकर आपको सपोर्ट कर रही हूँ कि यहाँ मरीजों के हित के लिए पुलिस प्रोटेक्शन प्लस रोटेशन ड्यूटी लगाई जाए। अगर आपको बुरा लगा तो आपसे मुझे पर्सनल बात करनी चाहिए, हिडन बात करनी चाहिए। लेकिन अधिकारी ने बोला मुझे नहीं पता, आपके रिटर्न ऑर्डर तैयार हो चुके, आप जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो सपोर्ट करता है, जो स्टाफ आवाज़ उठाता है, उसे ऐसे दबा दिया जाता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अधिकारी ऐसा करेगा
इसलिए मैं चाहती हूँ किसी स्टाफ के साथ अन्याय नहीं हो, सबकी समान कार्य समान, किसी का शोषण नहीं हो, समान कार्य व्यवस्था की जाए। अधिकारी खुद आकर यहाँ पे स्टाफ की प्रॉब्लम सुने, मरीज की प्रॉब्लम सुने, यहाँ आप लेबर रूम में जाके पता करिए, यहाँ रिकॉर्ड है जिसके साइन होते, जो स्टाफ की जिंदगी है वो लेबर वो रिकॉर्ड ऐसा का ऐसा पड़ा रहता है नाइट और इवनिंग के अंदर, या नाइट सुपर की डिमांड की गई लेकिन नाइट सुपर इवनिंग सुपर कोई नहीं रहता, 2 बजे बाद ये हॉस्पिटल बंद हो जाता है। मैंने अधिकारी को ये बोला है कि यहाँ राउंड करके आप पता करिए कि यहाँ किसी को किसी तरह की असुविधा तो नहीं हो रही है। ये जो जिससे पेमेंट बनती है वो रजिस्टर के ऊपर गोले बन रहे हैं, किसी पे क्वेश्चन मार्क बन रहा है, किसी के कोई मॉर्निंग में ड्यूटी करके जा रहा है, कोई भी रात में दारू पी के कोई भी आ रहा है और उस रजिस्टर को फाड़ के फेंक रहा है, गोले बना रहा है, कुछ कर, इतना गंदा माहौल बना रखा है। जब अधिकारी इसमें सपोर्ट नहीं कर सकता तो उसको क्या हक है मेरे खिलाफ रिलीव ऑर्डर बनाने के लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबके साथ समान कार्य व्यवस्था की जाए, किसी का शोषण नहीं हो, मरीज के हित में देखकर। मैंने यहाँ हित को जानते हुए, मुझे यहाँ 3 महीने हुए जेलन से आए, मैं लेबर रूम के अंदर केवल डिलीवरी सीखने के पर्पज से आई हूँ क्योंकि मैंने हायर एजुकेशन कर रखी, इसलिए मुझे यहाँ जेलन वालों ने अपनी खुशी से भेजा है। लेकिन यहाँ बिना जेलन वालों की सूचना के यहाँ जबरदस्ती राकेश पोरवा सर ने मुझे रिलीव ऑर्डर इसलिए बना दी गया कि वो ये कहते हैं कि मेरा जो खास स्टाफ है उसको ये ड्यूटी उठा रही है और यहाँ जो काम कर रहा है उस स्टाफ के खिलाफ ये एक्शन ले रही है। मैं कोई एक्शन नहीं ले रही, मैं केवल एक सपोर्ट करना चाह रही हूँ। अगर आप इस तरह से दबाना चाहते हो तो सर आपकी कार्य व्यवस्था आप जाने, मरीज पनिश हो रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, तो अगर किसी के साथ अन्याय किया जाएगा तो ऐसे तो कोई इंसान चुप नहीं होगा, ऐसे कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किए जाएंगे। तो सर आप आइए यहाँ व्यवस्था बिठाइए। जब आपने आज हमसे बात करने की बात की है तो फिर आपने कल हिडन ऑर्डर कैसे तैयार कर दिए? अगर आपकी मांगे नहीं मांगे तो क्या हड़ताल करेंगे? हम हड़ताल करेंगे और हम ये देखेंगे कि ऐसे किसी भी आम जनता या किसी भी स्टाफ के साथ ऐसा अन्याय, मैं तो लीडर हूँ, कोई बात नहीं अगर लीडर के साथ अन्याय कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना था आप किसी के साथ अन्याय करें। आप एक अधिकारी हो तो इसका मतलब इमीडिएट एक्शन तो नहीं लिया जाता। किसी स्टाफ से आप पूछिए कि आपने ऐसे रिलीव ऑर्डर क्यों बना दिए, क्या प्रॉब्लम थी जब उसने एक्स्ट्रा ड्यूटी की है रिलीव ऑर्डर के ऐसे बना दिए, मतलब अपना सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा दे रही है, आपकी कार्य व्यवस्था में हेल्प ही तो कर रही है। एक अधिकारी बोलता है मुकेश माथुर की मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे कहने पर तूने ऑर्डर दिया लेटर बनाया है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, जब मैंने परमिशन लेकर लेटर बनाया, आपने बात करने की बात की है तो आप मुझसे बिना बात करें ऐसे एक्शन कैसे ले सकते हो? आपका नाम? तारामणि रावत, राजस्थान नर्सेस यूनियन अध्यक्ष, सैटेलाइट हॉस्पिटल नर्सिंग। हम एवंशी, मैं अभी लेबर रूम में कार्यरत हूँ। यहाँ पे हमेशा से ऐसे होता है, जो शुरू से जो आए वो नाइट इवनिंग कर रहे हैं, वो नाइट इवनिंग कर रहे हैं, और जो बाकी जो स्टाफ है वो ओपीडी में एक टाइम की ड्यूटी कर रहे हैं, वो कभी भी, हम 4 साल हो गए उनको यहाँ पे ड्यूटी करे हुए, एक बार भी उन्होंने नाइट नहीं की है, जबकि वो जब छुट्टी जाना चाहते हैं उनकी छुट्टी सेंक्शन हो जाती है। मेरे को बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम थी, मेरे को ओवेरियन सिस्ट की ऑपरेट करवाना था, फिर भी इन्होंने मेरे को कोई ऑपरेशन नहीं दिया, जबकि मेरे को जब से मैं आई हूँ मेरी बार बार ड्यूटियाँ चेंज हो रही है रोटेशन में, कभी कहाँ कभी कहाँ। स्टाफ की कमी यहाँ पे? स्टाफ की देखा जाए तो कोई कमी नहीं है, अगर ये मैनेजमेंट करना चाहे तो। आपका नाम? रेखा मेघवंशी। ये सेटेलाइट हॉस्पिटल आदर्श नगर अजमेर है, जो मेडिकल कॉलेज के अंडर में है, और मैं यहाँ पर MCH विंग प्रभारी हूँ, और लेबर रूम में हमारे स्टाफ की प्रॉब्लम है, कमी है, और स्टाफ कोई प्रॉब्लम रहती है उनकी ड्यूटी जल्दी जल्दी आती है क्योंकि स्टाफ कम है, नाइट ड्यूटी जिनकी जल्दी जल्दी आती है। जी डॉक्टर्स कम है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स है मोस्टली नर्सिंग स्टाफ की, हमारे पास कम है काफ़ी। किस तरह के मरीज ज़्यादातर यहाँ पर आ रहे हैं? ये MCH का है, यहाँ डिलीवरीज हैं, सीजीरियंस हैं, बड़े ऑपरेशंस के पेशेंट्स हैं, और जो ये सारी भीड़ देख रहे हैं आप, ये सारे एंटीनेटल जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका डे है आज, वो लोग हैं। पहले भी कोई शिकायत करी स्टाफ कम के लिए? सर से हाँ, हम लोग हमेशा मांग करते रहते हैं कि स्टाफ कम है। जी, अभी तक पूरी नहीं हो पाई आपकी बात? आते हैं फिर वापस, जहाँ ज़रूरत होती है वो चले जाते हैं, कुछ लोग छुट्टी पर हैं, वैसे कमी है, स्टाफ की कमी है यहाँ पर। आपका नाम? नरेंद्र। डॉक्टर? डॉक्टर नरेंद्र।